है। राज्यपाल महोदया, आप इस पवित्र राज्य की जनता की माँ और बहन के रूप में हैं। हम आपको सब पाप प्राप्त करके आपका यहाँ पधारने का समस्त भूमा परिवार, श्री स्वामी भूमानंद हॉस्पिटल, श्री स्वामी भूमानंद कॉलेज एवं नर्सिंग कॉलेज आदि संस्थाएं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करती हैं। आपके आपने अपने अमूल्य समय से समय निकालकर यहाँ विराजमान हुए, ऐसा उत्तम कार्य जिसमें लोगों के जीवन की रक्षा हो सकती है, ब्लड बैंक की स्थापना दिवस पर आपके द्वारा उद्घाटन समारोह, विश्व प्रसिद्ध माँ के रूप में मदर टेरेसा संस्था के सहयोग से ये कार्य आज से प्रारंभ हो जाएगा। हम सब यहाँ आए अतिथिगण, विशिष्ट श्री सुधांशु जी, जिनका इस संस्था से बहुत समय से समर्पित भाव से और कर्तव्य निष्ठा के साथ जुड़े हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। हम सभी ट्रस्टियों आगंतु बच्चों फैकल्टी तथा नर्सिंग स्टाफ का सभी का हार्दिक शुभकामना समर्पित करते हैं। एक दो तीन लाइनें हम समर्पित करना चाहते हैं इस देश के। हमारे यहाँ सारे महात्मा समाज बैठा है, हरि चेतनानंद जी हैं, प्रखर जी हैं, देवानंद जी हैं, सब लोग हैं, हमारे दूर दूर से आए हुए लोग हैं। जिसकी माँ होती है वही संसार में सबसे समृद्धशाली होता है, शक्तिमान होता है। माँ इस देश की संस्कृति है, संस्कार है। माँ संकल्प है, साधना है, भावना है, संवेदना है। माँ जीवन की यात्रा की आत्मा का बिछौना है। माँ पूजा है, माँ रोली है, माँ चंदन है, माँ आरती है। इस जीव देह में सांसों की सरगम है माँ। मेरे हर आधार का मूलवान रत्न है माँ। माँ मातृभूमि का संदेश होती है, सेना के सम्मान और जौहर का व्रत होती है माँ। माँ बलिदानों का श्रृंगार है वो माँ जो राष्ट्र के प्रति समर्पित है। माँ बलिदानों का श्रृंगार है माँ। माँ मेरे वतन के रखवालों का आखिरी पैगाम है और भारतीय तिरंगे की आन और वान और शान की प्रतीत है मेरी माँ। ये देश है भारत माँ। हमने सालासर जी में, अभी आपने बताया सालासर जी के अंदर धारा 370 हटाने के लिए और शहीदों का वहाँ सम्मान किया था। हमने 25 करोड़ जो है हनुमान चालीसा, संकट मोचन, सुंदरकांड, बजरंग बाण का पाठ किया। आज हम बड़े गौरवशाली हैं कि जो है हमारा स्वर्ग जैसा कश्मीर है वहाँ 370 धारा समाप्त हो गई। उसके लिए हम भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री जी हैं, हम साधु समाज सब उनको जो है अनेकों बार कोटि कोटि जो है आभार व्यक्त करता है कि इन्होंने वो काम किया जो ये राष्ट्र के लिए करना आवश्यक था। अब हम सपना देखना चाहते हैं, प्रत्येक देशवासी को ये सपना देना चाहते हैं, रखना चाहते हैं कि भारत अखंड भारत हो और अब अगला कदम हमारा आज़ाद कश्मीर की ओर उठे। गिरगिट भी लेना है, आज़ाद कश्मीर भी लेना है और बलूचिस्तान भी लेना है। ये हमारे भारत के है, इसलिए अखंड भारत वही भारत है। अफगानिस्तान से हम दोस्ती कर लेंगे, मित्रता कर लेंगे, ये हमारा उनसे समन्वय हो जाएगा, क्यों वो भी हमारी इस प्रकृति के हैं। इसी बात को कहकर मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। आशीर्वचनों के लिए हम विनम्रता पूर्वक महाराज श्री